अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए 30,000 रुपए के अंदर, लेकिन वो फोन गेमिंग के अलावा और भी काम कर सके, तो आपको OnePlus Nord 2T एंड Realme GT Neo 3T, इन दोनों में आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में कंपेयर करते हैं दोनों ही को कि गेमिंग में कौन ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तरफ है ये OnePlus का, दूसरा है Realme का। लेकिन Realme ने यूज किया इसमें Snapdragon का 870 5G चिपसेट है, और Snapdragon के चिपसेट के साथ गेमिंग अच्छी मिल जाती है। लेकिन गेमिंग के मामले में MediaTek ने भी काफी अच्छे झंडे गाड़ रखे। OnePlus जैसा ब्रांड इसको यूज कर रहा है, इसके अंदर है Dimensity 1300, एक 5G चिपसेट है, गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इन दोनों के ऊपर हम लोगों ने गेमिंग टेस्ट कर रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो कंसीडर करो भाई सब्सक्राइब करने के लिए, हम ऐसे गेमिंग वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोनों ही फोन में सबसे पहले हम PUBG ओपन करते हैं, देखते हैं किसमें पहले ऑन होता है। भाई काफी कार्ड की टक्कर लग रही है, लेकिन Realme ने बीट कर दिया है। Realme में पहले ओपन हुआ है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन भाई विनर इज विनर। तो सबसे पहले दोनों ही फोन फुल ब्राइटनेस पे है और 100% चार्ज है। इस वीडियो के लिए स्पेशल मेहनत की है, आप लोग मेहनत करो लाइक करके। गेम शुरू करने से पहले Realme का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। फ्रंट से आपको मिलेगा 37.8 डिग्री सेल्सियस और बैक से है 36.3 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों ही फोन का ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं। Realme GT Neo 3 पे स्मूथ पे एक्सट्रीम मिल जाएगा और मैक्सिमम सेटिंग से HDR पे एक्सट्रीम। लेकिन पे OnePlus में ग्राफिक्स थोड़ा सा कम है, मैक्सिमम सेटिंग से आपको HDR पे अल्ट्रा ही मिलेगा, लेकिन Realme में एक्सट्रीम तक जाने वाला। तो पहले अपना Realme में खेल लेते हैं TDM। अपना पहला राउंड खत्म हो चुका है दोस्तों, सेकंड राउंड पे जाते हैं और ग्राफिक्स चेंज करके स्मूथ प्लस एक्सट्रीम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेलना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पे 15 मिनट गेमिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन बैटरी अगर आप देखो तो 90% पे आ चुकी है बैटरी, और टेम्परेचर फ्रंट से 40.2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और बैक साइड से 36.6 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। सो Realme का TDM एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। अब हम लोग फोन चेंज करते हैं और बात करते हैं OnePlus का। इसकी जो रिकॉर्डिंग है हम लोग ने ऐसे अलग से की है ताकि आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किस पे आएगा अगर हम लोग लगातार गेमिंग करते हैं। और TDM स्टार्ट करते हैं। टीम मैच लेट्स गो। पहले वाला TDM एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं हुआ। लेकिन अभी ग्राफिक्स चेंज करते हैं एग्जैक्टली सेम, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम खेलने वाले भी हम लोग इस पे। टीम मैच लेट्स गो। और अपने 15 मिनट गेमिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एक बार बैटरी देख लेते हैं, 87% बैटरी आ चुकी है। डेफिनेटली दोनों मोबाइल की बैटरी आसपास है, OnePlus की थोड़ी ज्यादा खर्चा होती है, लेकिन अभी Realme आ गए। और टेम्परेचर देखते हैं, फ्रंट से टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा है आपको 39.8 डिग्री सेल्सियस और बैक से टेम्परेचर हो रहा है 37.1 डिग्री सेल्सियस। और अभी बारी है Realme की, Realme पे खेलते हैं क्लासिक। लैंड करते हुए हल्का सा लैग फील हो रहा है और यहाँ पे लोग बूट कैंप पे लैंड कर रहे हैं, वहां बंदे ज्यादा मिलते हैं और परफॉर्मेंस पता चल जाती है फोन की। और यहाँ पे गेम खेल लो 30 मिनट हो चुका है, टेम्परेचर यहाँ पे 39.8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है फ्रंट साइड से और बैक साइड से हो रहा है 36.1 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई Realme ने अपना टेम्परेचर मैनेज कर लिया, 15 मिनट पे था 40 और अभी ये कम हो चुका है।
अब टेम्परेचर भी इसने बहुत अच्छा मैनेज किया, 39.7 डिग्री सेल्सियस फ्रंट से आ रहा है और बैक से आ रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। वन प्लस से क्लासिक गेमिंग करते हैं और हम लोग यहाँ पे भी सैनहॉक पे खेलेंगे, देखते हैं सेम परफॉर्मेंस आता है कि नहीं। और सेम बूट कैंप होते हैं भाई, बंदे देख रहे हो कितने ज्यादा उतर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कट लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है रियलमी के सामने। अरे ये खड़ा हुआ था भाई, ये क्या कर रहा था, मेरे को मेरा वेट कर था मारने का, ये एनिमी नहीं मेरा फैन था दोस्तों, बस पिटाई का वेट कर रहा था। सो गेमिंग करते करते 30 मिनट्स हो चुके हैं दोस्तों, फ्रंट से टेम्परेचर 40.8 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है और बैक से हो रहा है 37.5 डिग्री सेल्सियस, 80% पे जा चुकी है बैटरी। अरे गाड़ी मारो बढ़िया। और टेम्परेचर के बारे में बात करें, 42 डिग्री सेल्सियस हो रहा है फ्रंट साइड से, आप देख सकते हो बैक साइड से, और 38.1 डिग्री सेल्सियस हो रहा है जो कि थोड़ा ज्यादा है मेरे हिसाब से, इसको और मैनेज कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपको ह्यूज डिफरेंस दिखाऊं तो इसकी बैटरी जा चुकी है 65% पे, वन प्लस वालों भाई 35% की बैटरी निकाल दी इसने एक घंटे में, तो बैटरी ड्रेन रेशियो बहुत ज्यादा है, हीटिंग भी ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर आपको डिफरेंस के बारे में बात करूं तो भाई वन प्लस थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होता है, मैट वाला ग्लास है इस पे, और रियलमी भाई चीप सा लगता है, प्लास्टिक ऐसे अच्छी क्वालिटी का नहीं है, मतलब अगर आप मेरा रिव्यू वीडियो देखोगे उसमें अच्छे से बताऊंगा, लेकिन देखने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा फील करने में नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको प्लास्टिक बॉडी यूज किया गया। तो अगर आपको एक प्रीमियम प्लस अच्छा गेमिंग चाहिए लेकिन हल्का सा हीट करेगा तो वन प्लस ले सकते हो। दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं, एग्जैक्टली सिमिलर परफॉर्मेंस मैं आपको कहूंगा, और सेटिंग्स थोड़ी ज्यादा अच्छी आपको रियलमी के साथ मिलेगी, और ओवरऑल गेमिंग की बात करूं जैसे कि हीट बैटरी मैनेजमेंट तो वहां पे आपको रियलमी मिलेगा। और अगर आपको एक फाइनल विनर दूं तो गेमिंग के लिए ये है रियलमी, और आपको ओवरऑल फोन चाहिए जो कि प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है तो डेफिनेटली वन प्लस ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कैमरा और डिस्प्ले उस पे के बारे में जानना है तो उसके लिए हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे अपने मेन चैनल पे, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हल्का सा अगर आपको दूं फीडबैक तो रियलमी वाली वीडियो देख लेना, आपको कैमरा बहुत इंप्रेसिव लगने वाला है। इसी के साथ इस वीडियो को देखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, पसंद आता है तो लाइक वाइक कर दो भाई, मिलते हैं किसी और न्यू गेमिंग वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड जय हिंद।